चित्रा नव भारती स्कूल में आज आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसमें डिफाइन किया हमने रिलेशन फंक्शन, जो हम क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में हमने देखा है कि रेंज, कोडोमेन, डोमेन, हमने इन सब चीजों को डिफाइन किया है अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, अलग अलग टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे, ग्राफ्स पे, इन पे डिफाइन किया। रिलेशन फंक्शन, रिलेशन क्या होता है? तो कोई दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लिंक होता है, कोई कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। जैसे हमने मान लिया कोई सेट ए है, जो क्या है कि क्लास 12 के स्टूडेंट का है किसी स्कूल में, और उसी स्कूल का हमने कोई सेट बी मान लिया जो डिफाइन कर रहा है क्लास 11 को, तो उनके बीच में हम रिलेशंस कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन करेगा? ए से बी के अंदर। हमने जैसे मान लिया कि कोई ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में और बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी में, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, जहां पर क्या बोला गया कि ए है वो बी का ब्रदर है। तो ये एक तरीके से रिलेशन हो गया कि ए है जो बी का भाई है। इसी तरीके से सेकंड में बोला है कि ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, ए है वो सिस्टर है बी की, तो ये भी रिलेशन है एक तरीका की, ए बी की बहन है। ए थर्ड में बोला है कि ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, जहां पर एज ऑफ ए है वो ग्रेटर देन है एज ऑफ बी, कि जो बी है वो ए से छोटा है, यानी कि ए बी से बड़ा है। हम ए, यदि हम ए बी को बिलोंग करते हैं आर में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए रिलेट कर रहा है बी का किसी रिलेशन आर के अंडर, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी की फॉर्म में। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं एम्पैथी रिलेशन। एम्पैथी रिलेशन किसको कहते हैं? कि कोई सेट आर है जो सेट ए को डिफाइन कर रहा है, जिसमें सेट ए में कोई ही एलिमेंट नहीं होंगे। सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो एम्पैथी होगा। एम्पैथी में जब रिलेशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा? एम्पैथी आएगा, तो इसलिए हम उसको एम्पैथी रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कोई रिलेशन है आर, वो सेट ए में डिफाइन किया गया है, जहां पर क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट ए के वो रिलेट कर रहे हैं किसमें? दो एलिमेंट ए में रिलेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब वो दोनों के दोनों एम्पैथी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं, उनको कुछ टाइम या कभी कभी हम बोलते हैं ट्रायल रिलेशन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई स्कूल में हमने लिया है, कोई एक सेट लिया है ए, जो क्या कर रहा है किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को डिफाइन कर रहा है, जो उसमें क्या है कि सारे स्टूडेंट्स वो बॉयज हैं, तो हमें शो करना है कि कोई रिलेशन आर है ए के अंदर, कोई रिलेशन आर है जो ए को डिफाइन कर रहा है, तो आर है वो ए बी डिनोट आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, जहां पर ए है वो क्या है बी को सिस्टर है, तो उसे हमें शो करना एम्पैथी रिलेशन है। तो हम शो कर सकते हैं कि आर है वो क्या बोला गया है कि ए कोमा बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ये बोला गया है। हम जानते हैं कि जो हमने सेट लिया है ए वो बॉयज का लिया है, तो बॉयज है तो उसमें गर्ल्स तो होंगी नहीं, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें सेट ए में जो हमने सेट लिया है तो वो इसमें क्या होगा एलिमेंट्स एक भी नहीं होंगे, क्योंकि बॉयज का लिया तो सिस्टर नहीं है, तो वो क्या होगा फाई नहीं होगा, उसमें एलिमेंट्स नहीं है, तो जब फाई हमने लिया है तो उसका रिलेशन में क्या कहलाएगा हमारे पास एम्पैथी रिलेशन कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आर डैश है दूसरा सेट डिफाइन किया है ए बी को, जो क्या कर रहा है डिफरेंस बता रहा है दो बॉयज की हाइट्स के बीच में, ए और बी ले लिया हमने वो दो बॉयज, तो उनकी जो हाइट है वो लेस देन 3 मीटर होनी चाहिए, तो ऐसा होने पर हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। 3 मीटर यानी कि 3 मीटर यानी कि 9 फीट, किसी की भी हाइट 9 फीट नहीं होती, तो यानी कि जो कोई भी सेट ए में कोई भी दो बॉयज ले लेते हैं हम, मान लिया हमने ए और बी लिया है, तो उन दोनों के बीच की जो हाइट है वो 3 मीटर से लेस देन ही होगी, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ए के वो किसमें इंक्लूड होंगे ए में, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम चलते हैं, कोई रिलेशन आर है वो सेट ए में है डिफाइन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव कब कहलाएंगे, जब ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर में, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है जहां पर क्या कर रहा है ए है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, यदि हमारा ए और ए दोनों
बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब कहलाता है? जब हमारा ए वन कोमा ए टू दिया होता है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो वहां पर हमारे पास ए टू कोमा ए वन भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा सिमेट्रिक कहलाता है। और ट्रांजिटिव कब कहलाता है? जब हमारे पास ए वन ए टू बिलोंग कर रहा है आर में और ए टू ए थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें ए वन ए थ्री भी वहां पर बिलोंग करेगा आर में, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। जहां पर सारे के सारे ए वन ए टू और ए थ्री किस में बिलोंग कर रहे हैं? ए में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? जो कि कोई सेट आर, कोई रिलेशन आर है जो सेट ए में डिफाइन कर रहा है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? जब आर है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल है। लेट टी बी द सेट ऑफ आर ट्रायंगल इन ए प्लेन विद आर, ए रिलेशन इन टी गिवन बाय आर टी वन टी टू, टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी वन टी टू, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है कि आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इक्विवेलेंस कब शो होता है? जब वो आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। देखो यहाँ पर हम पहले रिफ्लेक्सिव को लेकर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या है? ए वन ए टू बिलोंग करेगा आर में, यानी कि हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है? टी वन टी टू। तो हम ले लेते हैं टी वन और टी टू बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि टी वन है वो कॉन्ग्रुएंट होगा टी टू में। सॉरी, लेट टी बी द सेट ऑफ ट्राइंगल, टी कोई हमारे पास सेट है ट्राइंगल्स का प्लेन के अंदर, जहां पर आर डिफाइन कर रहा है रिलेशन टी को। आर है वो यहाँ पर गिवन है टी वन टी टू, टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू। हमें शो करना है कि आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए हम पहले शो करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो उसके लिए हम पहले रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम ले लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या थी कि ए ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ हमारे पास टी के टर्म में दे रखा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टी वन कॉमा टी वन बिलोंग कर रहा है आर में, तो यानी कि टी वन है वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा टी वन में। ठीक है, इसी तरीके से हम सिमेट्रिक को बता देंगे। सिमेट्रिक में क्या है कि ए वन ए टू बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए? ए टू ए वन बिलोंग करेगा आर में, यानी कि टी वन और टी टू बिलोंग कर रहा है आर में, तो टी वन टी टू बिलोंग करेगा आर में, तो यानी कि टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू। अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि टी टू इज कॉन्ग्रुएंट टू टी वन। तो इससे क्या हो जाएगा कि टी टू है टी टू कोमा टी वन बिलोंग करेगा आर में, तो ये किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? सिमेट्रिक की। अब ट्रांजिटिव की देखिए, ट्रांजिटिव में क्या है कि ए वन ए टू बिलोंग कर रहा है आर में और ए टू ए थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि टी वन टी टू बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होगा कि बिलोंग कर रहा है आर में, तो टी वन कॉन्ग्रुएंट है टी टू का, और साथ में हमने बोल दिया कि टी टू है टी टू कोमा टी थ्री वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यानी कि टी टू किसमें कॉन्ग्रुएंट होगा? टी थ्री में। तो यहां से हम देखेंगे टी वन टी टू के कॉन्ग्रुएंट है और टी टू टी थ्री के, यानी कि टी वन टी थ्री के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा टी वन और टी थ्री बिलोंग करेगा आर में, तो यानी कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कोई सेट है एल, मान लिया हमने उसका नाम, वो क्या कर रहा है कि सारी की सारी लाइन प्लेन में जाकर हो रही इंक्लूड हो रही है,
तो हमने आर को रिलेशन डिफाइन किया है एल में, जिसमें कैसे डिफाइन किया है इसको रिलेशन को कि एल वन एल टू है, जहां पर एल वन परपेंडिकुलर एल टू का, तो हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव कंडीशन लेके चलते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? कि एल वन और एल वन बिलोंग करेगा आर में। तो हम देखेंगे कि यहां पर बोला क्या है कि एल वन परपेंडिकुलर होना चाहिए एल टू का, एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, बट हमने एल वन परपेंडिकुलर टू होगा एल वन के, तो हम देखेंगे कि एल वन जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एल वन किसी के परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगी, यानी कि खुद के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम नेक्स्ट सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी कि हमने ले लिया एल वन और एल टू, वो दोनों बिलोंग कर रहे आर में, तो बिलोंग कर रहे तो डिफाइन कैसे किया था? एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, ये हमने एल वन लिया था, अब हमने ये एल टू ले लिया, तो ये एल टू इसमें परपेंडिकुलर है, तो एल वन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है एल टू पे, ये एल वन है और ये एल टू है, तो ये L1 इस पे भी परपेंडिकुलर है, L2 भी इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L2 परपेंडिकुलर L1, तो इससे क्या हम लिख सकते हैं कि L2 कोमा L1 वो भी बिलोंग कर रहा है R में, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में और L2 L3 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या होना चाहिए? L1 L3 भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो हम यहां देखेंगे कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, बट L1 और L3 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो इससे क्या हो गया? ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर कोई रिलेशन R है वो सेट, हमने मान लिया ये सेट 1 2 3 का है, इसको हमने A नाम दे दिया कि कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो जो रिलेशन है वो इसमें डिफाइन किया गया है, तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, तो ये बताना कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्री और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी कि 1 1 बिलोंग करना चाहिए, 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए और 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए, तो ये तीनों एलिमेंट्स है इसमें। हाँ, ये 1 1 ये रहा, 3 3 ये रहा, 2 2 ये रहा, तो तीनों है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री की कंडीशन क्या थी? कि ए वन ए टू बिलोंग करेगा आर में बट तो हमारे पास ए टू ए वन भी बिलोंग करेगा आर में, तो यहां देखेंगे हमारे पास क्या है? 1 2 दे रखा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में, 2 1 यहाँ पर कहीं भी 2 1 नहीं है, ऐसी तरीके 2 3 बिलोंग कर रहा आर में बट 3 2 नहीं है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होता है? कि ए वन ए टू बिलोंग कर रहा है आर में और ए टू ए थ्री भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए? ए वन और ए थ्री भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम देखेंगे कि यहां पर क्या कर रहा है, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, हमने ले लिया 1 2 ले लिया, वो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 3 बिलोंग करना चाहिए आर में बट 1 3 इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है कि टू, हमने कोई रिलेशन आर है वो जेड बिल में इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, जिसको डिफाइन किया है कि ए बी, जो ए बी कैसे डिफाइन है, ए माइनस बी जो आएगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे। पहले सिमेट्रिक के लिए हमें क्या कंडीशन है? ए बिलोंग करना चाहिए आर में,
तो a माइनस a यानी कि जीरो, तो वो टू से डिवाइड होता है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, a1 वन कोमा a2, या फिर यहाँ पर ले रखा है ab, तो a b बिलोंग कर रहा है R में, तो यानी कि ba भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पर क्या है, a माइनस b है वो टू से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, b माइनस a माइनस कोमा ले सकते हैं, तो ये भी टू, तो टू से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, a1 कोमा a2 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि a और b, यहाँ पर a b ले रखे तो हम a b लेके चल रहे हैं, a b बिलोंग कर रहा है R में, और फिर हम कहते हैं b c भी बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या होना चाहिए, a और c भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो हम ले लेते हैं कि जब a b बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या होगा, a माइनस b डिवाइड होगा 2 से, और b माइनस सी ले रहे हम, तो b माइनस सी 2 से डिवाइड होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, a माइनस सी वो डिवाइड होगा 2 से, यानी कि a माइनस सी है वो डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है माइनस सी को, तो इससे क्या हो जाएगा, a और c बिलोंग कर रहा है R में, तो यानी कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम कोई सेट ले लेते हैं, R रिलेशन डिफाइन कर रहा है सेट, हमने कोई रिलेशन R ले लिया, सेट A में डिफाइन कर रहा है, जो A है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या किया है, इसको डिफाइन करने के लिए A भी ले लिया, जो बोथ A और B है वो क्या, तो ओड होंगे या इवन, तो हमें शो करना है पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का पहले सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं, सिमेट्रिक प्रूव करना है और रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या बताना है, a कोमा a बिलोंग करना चाहिए R में, तो क्या होगा, क्या तो वो a कोमा a, क्या तो ओड होगा या इवन, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, a कोमा b बिलोंग कर रहा है R में, तो हमें क्या होना चाहिए, b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए R में, तो क्या तो वो ओड होगा या इवन। इसी तरह ट्रांजिटिव में हमने ले लिया a कोमा b बिलोंग कर रहा है R में, अब b कोमा c बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या होगा, a कोमा c भी बिलोंग करेगा R में, तो ये जो a कोमा c है वो क्या होगा, क्या तो ओड होगा या इवन। अब हमें बोला गया कि आगे शो करना है कि जो एलिमेंट्स है सबसेट के 1 3 5 7 को वो रिलेट कर रहे किससे, खुद एक दूसरे से। जैसे हम ले लेते हैं 1, ये सेट ले लिया, सबसेट है हमारे पास 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 में से हमने दो एलिमेंट ले लिया 1 और 3, तो ये दोनों क्या है, ओड है, 5 7 ये ले लेते हैं, तो ये दोनों भी ओड है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने ये सबसेट लिया 2 4 6, इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं 2 4, तो ये दोनों क्या है, इवन है, तो यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बट हम इन इस सबसेट में से और इन सबसेट में से कोई एक, इसमें से हमने मान लिया 3 ले लिया और इसमें से हमने मान लिया कि 4 ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा, ये ओड हो गया, ये इवन, दोनों ना तो ओड ओड है ना ही दोनों इवन इवन है, एक ओड है और एक इवन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, हमें यहाँ पर ये शो करना था कि ये जो है सबसेट है वो एक दूसरे के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, और ये वाला सबसेट भी एक दूसरे से एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, बट एक दूसरे के एलिमेंट को ये रिलेट नहीं कर रहे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसमें शो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि जो एक्स एक्स कोमा एक्स है वो बिलोंग करेगी आर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स के लिए ये ए में इस एक्स की जगह पे ए से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम वहां पर फिर चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसी तरीके से बाकी के देख लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि कोई रिलेशन आर है वो सेट आर में डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर जो आर है वो रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पर डिफाइन करने के लिए बोला है ए बी, ए है वो लेस देन इक्वल टू होगा बी स्क्वायर से। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमने ले लिया कोई एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, a कोमा a बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी कि हमने मान लिया लेट a है वो 1 बाई टू के है,
वन बाई टू के बराबर है, तो यहाँ पर क्या बोला था ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो दोनों ही ए है, तो यानी कि वन बाय टू इज लेस देन इक्वल टू वन बाय टू का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो ये किसके बराबर होता है वन बाय फोर के, तो ये वन बाय फोर, वन बाय फोर के इक्वल नहीं है, लेस देन तो है बट इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए भी हम ले लेते हैं क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर बोला है तो क्या होना चाहिए बी ए बिलोंग्स टू आर, तो हमने लेट कर लिया कि ए बी है वो हमारा क्या है वन और टू है, ठीक है, तो वन और टू बिलोंग कर रहा है आर में, तो वन इज लेस देन इक्वल टू टू का होल स्क्वायर, तो वन क्या है टू के होल स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, बट टू वो तो वन के होल स्क्वायर से छोटा नहीं है ना, यानी कि टू लेस देन इक्वल टू वन के बराबर नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लेते हैं, हमने ले लिया टू और माइनस थ्री वो बिलोंग कर रहा है आर में, और माइनस थ्री और वन वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये जब बिलोंग कर रहा है आर में तो यानी कि टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यानी कि टू लेस देन इक्वल टू नाइन, ठीक है, ये जब माइनस थ्री कोमा वन बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन का होल स्क्वायर, तो माइनस थ्री लेस देन होता है वन से, बट हम क्या लेंगे टू माइनस थ्री ये बिलोंग करेगा आर में, तो क्या होगा कि टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सॉरी टू माइनस थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, माइनस थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या बिलोंग करना चाहिए माइनस थ्री टू कोमा वन बिलोंग करना चाहिए आर में, तो टू लेस देन इक्वल टू वन का होल स्क्वायर, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को ही करने हैं, इसमें हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, फोर्थ क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, ऐसे फिफ्थ में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों चेक करने हैं हमें, ऐसे सिक्स्थ में सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें सेवंथ में बोला इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने पड़ेंगे, जब एक्स वाई सेम नंबर ऑफ पेज पे है तो क्या होगा एक्स कोमा एक्स, तो यानी कि वो सेम पेज के है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कोई हमारा सेट है ए आर रिलेशन उसको डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन कर रहा है ए माइनस बी इज इवन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, तो हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ले लिया ए ए बिलोंग कर रहा है आर में, ए बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि ए माइनस ए वो क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, तो जीरो वो इवन में ही आएगा, ठीक है। ऐसे सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये होना चाहिए, तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि ए माइनस बी है वो क्या है इवन है, ठीक है। अब बी माइनस ए का मोड ले लेते हैं हम, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा बी माइनस ए का मोड, वो भी क्या होगा इवन ही होगा, तो यानी कि बी कोमा ए बिलोंग करेगा आर में। इसी तरीके ट्रांजिटिव के लिए ले लेते हैं, ए भी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ ए माइनस बी है वो इवन होगा, और इसका मतलब क्या होगा b माइनस सी का मोड है वो इवन होगा। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस सी के बराबर आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा इवन, तो क्या होगा ये ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 3 5 है वो रिलेट कर रहा है खुद के, कोई सबसेट हैगा 1 3 5 वो खुद के सबसेट से रिलेट कर रहा है, इसी तरीके से 2 4 है वो भी खुद के सबसेट से रिलेट कर रहा है, बट वो एक दूसरे के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, जैसे हमने ले लिया 1 3 5 इसमें से ले लिया हमने 1 और 3, ठीक है, तो 1 माइनस 3
माइनस का टू का मोड मोड के बाद क्या होगा प्लस का टू, तो यानी क्या होगा ये इवन। इसी तरीके से ये ले लेते हैं टू माइनस का फोर का मोड, तो क्या आएगा माइनस टू का मोड, वो भी टू हो तो ये भी इवन है। बट हम इन दोनों में से एक ही ले लेते हैं, इसमें से हमने मान लिया थ्री ले लिया, इसमें से हमने मान लिया टू ले लिया, तो थ्री माइनस टू का मोड क्या होता है वन, ये तो इवन नहीं है ना, तो ये क्या कर रहा है एक दूसरे के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है का सेम वैसा ही है का, इसमें क्या बोल दिया ए माइनस बी है मल्टीपल होना चाहिए किसका फोर का, ठीक है सेम वैसा ही है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है। नेक्स्ट है हमें सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव ये शो करना है। तो हमने कोई ले लिया ए सेट ले लिया, वो क्या है इसमें सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है ये कोई हमने सेट ले लिया, तो सिमेट्रिक होगा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा आर, वो क्या होगा ए और बी होगा और बी कोमा ए, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव क्या होता है ए ना यहाँ पर ए है ना बी बी ना सी सी, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी होगा बिलोंग करेगा आर में, बी सी बिलोंग करेगा आर में, तो क्या होना चाहिए ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो यहाँ पर क्या है बी और सी भी बिलोंग नहीं कर रहा ना ए सी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट हमें बताना है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तो उसके लिए हमने रिलेशन सेट हम यही ले लेते हैं, रिलेशन हमारा आ जाएगा ए बी बी कोमा सी और ए कोमा सी, तो ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव हो गया रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट बताना है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे पास आर क्या आएगा ए ए बी बी सी सी ए कोमा बी बी कोमा ए, ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक की भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरीके से हमें बताना अगला रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, सेम ऐसे ही करना है। यहां पर हमारी अब एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है।